हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपका हुआ है मिनिमम 27 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो यहाँ पर जो है आपके वस्तुनिष्ठ आए थे, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में जो है आपका आधा मार्क्स का था, तो पूरे जो है 5 वस्तुनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर आपके पूरे मिलाकर कितने हो गए मार्क्स, 2.5 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, नेक्स्ट है गुणन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम है, यहाँ पर मैथेनाडु में संक्रमण होता है, एक आइंस्टाइन ऊर्जा का मान है, द्वि ध्रुवण आघूर्ण का सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों आपके आ जाते हैं खंड बी, सॉरी सेक्शन बी। यहाँ पर जो है प्रत्येक मार्क्स आपका आधे मार्क्स का है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपके आधे मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1, डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति को समझाइए, आपके यूनिट 1 से जो है पूछा गया था। पाई और पाई स्टार कक्षों की मुख्य विशेषता दीजिए, यूनिट 2 से आया था अपन का। वर्नर ऑफनहाइमर सन्निकटन पर टिप्पणी लिखिए, इसके अथवा में आया था अपन का अवरक्त स्पेक्ट्रम की सहायता से आप किस बंध का बल नियतांक कैसे निर्धारित किया जाता है। यूनिट 3 से आया था आपका रामन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत को समझाइए, और उसके लास्ट में आया था अपन का फ्रैंकिक कॉर्डन सिद्धांत को समझाइए। अब यूनिट 4 आ गई अपन की। ठीक है, यहाँ पर जो है विकिरण रहित संक्रमण को समझाना था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। यूनिट 5 से आया था अपन का द्विध्रुव आघूर्ण निर्धारित करने की एक विधि दीजिए, इसके अथवा में आया था अपन का पदार्थ प्रतिचुंबकीय क्यों होता है समझाइए। यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका 17 मार्क्स का है, प्रत्येक का आपका जो है 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपकी इकाई यूनिट 1 से आया था श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, क्वांटम अभियांत्रिकी के अभिग्राहितों को विस्तार पूर्वक समझाइए, दृढ़ रोटेटर के ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, उसके अथवा में आया था अपन का विद्युत चुम्बक स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों का संक्षिप्त वितरण दीजिए। यूनिट 3 से आया था आपका ध्रुवणता की धारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसके अथवा में आया था वुडवर्ड फाइजन नियम को सापेक्ष में समझाइए। यूनिट 4 से आया था आपका स्टार काइस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुलता के नियम की विवेचना कीजिए, विकिरण के तरंग दैर्ध्य से यह किस प्रकार संबंधित होता है, जेवोलोरेंसकी और की सहायता से प्रदीप्ति एवं सुफर दीप्ति को समझाइए। लास्ट यूनिट है आपकी क्लासियस मसौटी समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। लास्ट आया था आपका अणुओं की संरचना के निर्धारण में द्विध्रुव आघूर्ण के उपयोग को उदाहरण सहित समझाइए। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैसा आया था पेपर आपको। और इस पेपर अगर अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी को पेपर नहीं हुआ है तो दोस्तों इसे आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।